नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। जैसे आपको पता है आपके चैनल क्या नाम है, आशीष चिकना। जैसे आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है जो आपके लिए है, हाउ टू स्टडी फिजिक्स। आपने क्या करना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। जो बच्चा बिल्कुल लो लेवल से है वो आपके पास हीरो, जीरो से हीरो कैसे बने, आज आपका ये टॉपिक है। जैसे आपने क्या करना है, आपने इन्हें 7 पॉइंट आपके पास, उसको आपने अपने दिमाग के अंदर रखना है बुक पढ़ने से पहले। अब बात करते हैं आपने क्या करना है, स्टडी एवरी डे। पहला पॉइंट आपके पास है स्टडी एवरी डे। क्या करना है आपने उसमें, कि आपने पढ़ना है उसको रेगुलर वे से पढ़ना है। जैसे आपने ये पढ़ा भाई, 2 घंटे आपने पढ़ा फिजिक्स, फिर आप ये सोचेंगे भाई ना अगले दिन मैं ये नहीं पढ़ूंगी, अलग अगले दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दूसरा पढ़ूंगा, कि आपके पास मैथ पढ़े उससे अगले दिन आपके पास ये पढ़े, ऐसे नहीं करना। आपने आपने पढ़ते तो जो जो टॉपिक पढ़ना है ना वो आपने क्या करना है, प्रतिदिन वैसे पढ़ना है। सेकेंड आपके पास है रीड टेक्स्ट बुक। आपने क्या करना है, अपने जो टेक्स्ट बुक है उसको क्या करना है, आपने उसको रीड करना है। थर्ड पॉइंट आपके पास है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। जब आपके पास टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है उससे पहले आपने एक दिन पहले क्या करना है, उस टेक्स्ट बुक को जो टॉपिक आपके पास पढ़ाने जा रहे हैं टीचर, उसको आपने उसमें पढ़ना है। पढ़ना है और आपने क्या करना है, टीचर से जो कंसल्ट करनी है, आपकी जो प्रॉब्लम आई हुई है, टीचर जो टॉपिक पढ़ाए जब आपने वहाँ से कंसल्ट करनी है। फिर आपके पास आता है अटेंड क्लास एक्टिव। जैसे आपके पास कई बच्चे होते हैं क्लास में वो एक्टिवनेस नहीं दर्शाते, जैसे कोई बच्चा सुस्त रहता है, कोई किसी बच्चे की नींद आ जाती है, तो आपने क्या काम करना है, अपने क्लास में हमेशा क्या करना है, एक्टिव रखना है। टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर क्या बोल रहा है, उसको आपने सुनना है। फिर आते हैं आपके पास सोल्व एग्जाम्पल। आपने क्या करना है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है। फिर आपके पास पॉइंट आता है सोल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जैसे आपके पास इसमें पोर्शन कौन सा है, न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल। फिर इसमें आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं वो आपके पास बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, तो आपने क्या करना है, उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करके देखना। फिर बात आती है आपके पास हेल्प। ये लिख रखा भाई हेल्प और यूट्यूब, इसका क्या मतलब है, जैसे टीचर ने टॉपिक पढ़ा दिया आपके, जैसे हम फिजिक्स के टॉपिक लेके आ रहे हैं साइक्लोटोन पढ़ा दिया, साइक्लोटोन का टॉपिक करवा दिया, अब आपको क्लास के अंदर बिल्कुल समझ में नहीं आया, 20% में मैं मान के चलते हैं, टीचर ने आपको गेन दिया, टीचर ने दिया अपनी वे से 100%, आपने उसे टॉपिक को समझा वहां पे 20%, आपने उसको टॉपिक पूरा तरीके समझ में नहीं आया। तो हमारे जैसे जो भी आपके पास यूट्यूब के जो टीचर हैं जो आपको ये बताते हैं कि हमारा ये टॉपिक आप ये पढ़े, तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए हमारे ये टॉपिक आपके लिए था, आप जीरो से हीरो कैसे बने, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे जो घंटे वाला बटन दिख रहा है उसको क्या करें, घंटा दबाएं।